तो मैं उसको लगा मेरे उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा, तो इसलिए मैं उसको एक बाप बेटे को समझाता वैसा समझाया कि बेटा हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है, वो काटेगा, समझे? ये होता ना बेटा, उसको ऐसा भी मिलता हमारे जैसा, हर बिल में हाथ नहीं डालने का, सब में चूहा नहीं होता है, किसी किसी में सांप भी होता है। आई थिंक कैरिन मिनाटी इज अ इंटेलिजेंट गाय। क्या होता है सर्कस में तो शेर को बहुत देखते लोग, लेकिन जंगल में जब शेर सामने आ जाता है ना तो अच्छे अच्छों की पतलून गीली हो जाती है, तुमको दिख रहा होगा उसको। क्या हुआ, जो सोचा था वो नहीं हो रहा है? शिट, मतलब क्या यार, यही सोचा होगा कि एजाज खान कैरी नाटी से माफ़ी मंगवाने का वीडियो सोशल मीडिया पे डालेगा तो बहुत भौकाल हो जाएगा, बहुत किंग कहलाएंगे एजाज खान। सोचा सही था, पर पता है क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपका तरीका गलत था। देखो, अगर कैरी मिनाटी ने तुमको सोशल मीडिया में रोस्ट किया था तो भाई, अगर तुमको बुरा लगा था तो तुमको सोशल मीडिया पे ही माफ़ी मंगवानी चाहिए थी। ये ऐसे मतलब मॉल पे जाके दो चार लौंडे लिए हो साथ में, वो बेचारा छोटा सा अभी भी वो ऐसे मुंह बनाता है, अगर उससे कहो तो वो सॉरी तुमको पता है कैसे बोल रहा था? अगर आपको बुरा लगा हो, आई एम रियली रियली सॉरी। उसका अभी तक बेचारे का बचपना नहीं गया है। तुम यार इतने भौकाली आदमी होने के बाद मॉल पे अगर किसी को घेर लोगे और कहोगे सॉरी, अभी तुम कह रहे थे कि उसको, मेरे को लगा कि कैरी मिनाटी को हार्ट अटैक नहीं आ जाए, अबे भाई तो क्या यार जेल एल में जाना चाहते हो क्या? बाई चांस कैरी मिनाटी को हार्ट अटैक आ जाता तो, और वाकई में तुम्हें देख के बेचारा बच्चा है वो डर जाता, हार्ट अटैक आ जाता, मर जाता अगर, तो तुम तो फंस गए थे अच्छे से। तो ऐसा नहीं करने का भाई, ठीक है ना? आजकल जिसको देखो, अब तुमको गुंडा कहलवाने में इतनी मजा क्यों है? तुम यार इतनी अच्छी खासी पर्सनैलिटी तुम्हारी, अरे जहाँ जाओगे ऐसे ही भौकाल मच जाएगा। सबको आजकल गुंडा क्यों बनना है? उधर देख लो, तुम अपने आप को गुंडा समझ रहे, उधर एल्विस यादव गुंडा समझ रहा, उधर ध्रुव राठी गुंडा समझ रहा, उधर रजत दलाल गुंडा समझ रहा, तो ये दाऊद दाऊद क्या भुइया खेत में जाएंगे क्या? सब गुंडे लोग तुम ही लोग बन जाओगे। तो भाई ये सोशल मीडिया ये गुंडों का अखाड़ा है, मतलब यहाँ धमकी बात सोशल मीडिया पे ऑनलाइन चल रही है और धमकी देने फिजिकली पहुँच गए, ये तो गलत बात है। और देखो यार, कोई भी सोशल मीडिया की बात को पर्सनली नहीं लाना है, ठीक है ना? मतलब फिजिकली नहीं होना है उसके साथ। अबे सोशल मीडिया में हम एक परिवार ही तो हैं यार, इसको तुम लोग तेरा और मेरा क्यों बना रहे हो? हम सब एक परिवार है, सब मिलके एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। लेकिन नहीं साला, नौकरी तो दूर की बात है, अब यहाँ भी कॉम्पिटिशन हो गया है और खाली तुम्हारी जैसे लोगों की वजह से, तो ये गलत है, समझ रहे? और यार तुम इतने चौड़े हट्टे कट्टे आदमी हो, तुम कहते हो मुंबई हमारा है, तो भाई यार तुम बच्चों से क्यों लड़ रहे हो? तुमको लड़ना ही है तो सलमान खान ने जब बिग बॉस में तुमको टाइट किया था तो उससे लड़ो जाके। अभी ये सब कैरी मिनाटी, ये सब एल्विस और कटारिया तुम्हारे सामने बच्चे ही तो हैं, बराबरी वालों से मुकाबला करो। देखो मैंने तुम्हारी तुलना कितना ऊपर कर दिया सलमान खान से, समझ रहे हो तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या? तो जाओ सलमान खान से लड़ो जाके, उससे कहो कि बेटा कभी मुंबई में तो रहता ही, घर के बाहर निकल तब मजा आए। अभी अपने से कम उम्र के जरा से बच्चों को कोई फायदा नहीं है जज भाई, समझ रहे हो? इसलिए यार ये गुंडागर्दी छोड़ो और कायदे से रहो, सोशल मीडिया को एक परिवार मान के चलो और वहाँ के लोगों को भी, है कि नहीं? तो भाई कमेंट में पब्लिक बताएगी कि हम लोग एक परिवार है कि नहीं है, और मैंने कुछ गलत कहा हो तो भी आप बताइएगा, और सही कहा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो करिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।